हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे फ्रेंड्स और स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय चैनल। और ये देखिए, आप ये वीडियो देख के समझ गए होंगे कि हम लोग कहीं जा ही रहे हैं। तो हम लोग फ्रेंड्स यहाँ जैसे आए थे, हम लोग क्या है मेहमान, तो उन्हीं के साथ मिलकर कहीं घूमने का प्लान बनाया है। और हम लोग जा रहे हैं हम अमरकंटक, जो हमारे पास में ही पड़ता है हमारे क्षेत्र के। तो ये हम लोग सुबह 9 बजे चले हैं फ्रेंड्स, और 9 बजे चले फ्रेंड्स, और रात को पानी भी बरस रहा था। और एक मन लगा कि जाएं कि ना जाएं, क्योंकि ऐसा ख़राब मौसम हो रहा था। तो फिर भी मन में जब हम लोगों ने ठान ही लिया था कि जाना है घूमने, तो हम लोगों ने अपने सामान निकाला और ये निकल पड़े अपना। और एक रात का ही ये प्लान है, पहले से हम लोग का नहीं था। और फ्रेंड्स, ये हमारे घर से ना 2-2.5 घंटे का ही रास्ता है। तो ये समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। और इतना अच्छा मौसम था ना, घर से निकलने में लग रहा था कि ख़राब है, पर इतना अच्छा लग रहा था जाने में। और ये ज़्यादा कोहरा नहीं था, कम ही था, पर पहाड़ पर उतना नहीं था फ्रेंड्स। नीचे जैसे ये थोड़ी सी आपको समझ में नहीं आ रहा, नीचे थोड़ा सा गड्ढा टाइप का, खाई खाई टाइप का है, क्योंकि पहाड़ में है ये अमरकंटक। तो वहीं धीरे धीरे ये जैसे गाड़ी जा रही है ना, और इतना अच्छा लग रहा था हम लोग को, सभी को। मतलब बहुत दिन के बाद हम लोग निकले हैं यहाँ घूमने फिरने, और बहुत इतना मन में खुशी था। और ये फ्रेंड्स, जैसे अमरकंटक भले ही हमारे यहाँ पास में है, और मैं जब से आई फ्रेंड्स, तो मैं ये दोबारा ही जा रही हूँ। 2 बार मतलब मेरा हो चुका है। पहले मैंने एक बार जब पहले घूमा था, और अब ये तो ये देखिए फ्रेंड्स, इतना सुंदर लग रहा था ये पूरे जंगल पहाड़ देख के, और बहुत ही खुशी भी मिल रहा था। और जैसे सभी लोग साथ में थे ना, तो उसकी खुशी मतलब ज़्यादा ही थी कि सभी लोग साथ में है, बोलते बताते हंसते। और ये हमारे क्षेत्र के जैसे ये हमारे क्षेत्र के, हाँ, जैसे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश लगा हुआ है, तो हम लोग का जो कोतमा है ना, तो ये बॉर्डर में ही पड़ता है। तो ये यहाँ के गाने हैं जो बहुत ही अच्छे लग रहे थे, बहुत ही प्यारे, सुनने में अच्छे लगते हैं। तो इन्हीं गानों के साथ हम लोग का ये सफ़र है जो चालू रहा। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ के पहाड़ जंगल, ये पेड़ पौधे हरे भरे, और इस समय मतलब हरे भरे ही रहते हैं। और ये देखिए, हम लोगों ने थोड़ी सी गाड़ी रोकी यहाँ, थोड़ा सा रेस्ट किए, तो सभी बच्चों ने यहाँ अपना कहीं फोटो कहीं कुछ कर रहे थे। हाँ, तनु किनारे आ जा बेटू, किनारे आ जा, बंद कर। और फ्रेंड्स, सुबह हम लोग जैसे 5-6 बजे उठे थे, और फिर वही पानी थोड़ा सा गिर भी रहा था, वैसे नहीं गिरा हुआ था, और जैसे सुबह उठे ना, तो पूरा आंगन पूरा ये सभी गीला था, सड़क, तो लग रहा था कि बहुत पानी बरसेगा। और शुक्र है भगवान का कि पानी नहीं बरसा है। और हम लोग का जो सफ़र था ना, तो बहुत ही अच्छा मतलब गया। और जैसे अमरकंटक जैसे ज़्यादा दूरी पर नहीं है, तो घर से हम लोगों ने जैसे कुछ भी हमारी जो जेठानी है, तो बना कर ले गई थी खाने के लिए पूड़ी सब्जी। और जैसे घूमने का अचानक ही प्लान बना फ्रेंड्स, तो जैसे उनके नाती का मुंडन होने वाला था, तो कहीं ले जाने वाली थी, तो लगे हाथ यही उन्होंने मुंडन भी करा दिया था अपने नाती का, तो वही 2 काम हो गए हमारे।
चलिए फ्रेंड्स से देखिए सभी अभी एक लाइन से, और जैसे सफ़र करो ना गाड़ी में और गाने बजते हैं तो बहुत ही अच्छा समय निकल जाता है और अच्छा भी लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स ये हम लोग पहुंच भी गए हैं, और मैं उतना ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई फ्रेंड्स क्योंकि सभी लोग थे तो अच्छा भी नहीं लग रहा था, तो वही इसलिए थोड़ा थोड़ा सा ही मैं बनाई हूँ, और जैसे ये जंगल पहाड़ का ही अधिक बना पाई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स ये देखिए सभी लोग आ गए हैं यहीं, और यहाँ है ना तो मतलब बहुत से लोग नहा के चले थे घर से, बहुत लोग नहीं चले थे, तो हम लोगों ने तो नहा के चला था, फिर भी यहाँ आके नर्मदा जी में डुबकी लगाई और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और जैसे ही हम लोग पहुँचे ना तो यहाँ 12:30 बजे माता जी का भोग बटने के बाद पट बंद हो जाते हैं। तो मैंने बताया जैसे 11:30 बजे हम लोग पहुँचे हैं, तो फिर जल्दी जल्दी हम लोगों ने नहाया, जल्दी जल्दी डुबकी लगाई और जल्दी से दर्शन करने के लिए पहुँच गए थे बिना कंघी तेल, सिर्फ मांग में सिंदूर लगाया था और कपड़े पहन के, मतलब कंघी भी करने को कुछ नहीं मिला था। तो फिर हम लोगों ने सभी प्लान बनाया कि जल्दी से दर्शन कर लेते हैं, फिर बाद में कहीं इकट्ठा बैठ के कंघी कर लेंगे अपना। तो ये देखिए फ्रेंड्स हम लोग को दर्शन हो गए थे यहाँ अमरकंटक ये मंदिर के, और फिर चारों तरफ सभी लोगों ने घूमने फिरने लगे। और ये देखिए फ्रेंड्स यहीं पास से ना नर्मदा नदी का यहीं पास कुंड है, तो जहाँ नर्मदा माई निकलती हैं और फिर सभी वहाँ जाती हैं, तो इतना सुंदर यहाँ लगता है, इतना अच्छा लगता है। और ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ एक हाथी बने हुए हैं, तो यहाँ ऐसी मान्यता है कि जैसे इनके पैरों के बीच से निकलते हैं ना, तो कहते हैं कि यहाँ निकल जैसे कोई जैसे मतलब पापी रहता है तो नहीं निकल पाता है, जो वैसे रहते हैं तो निकल जाते हैं, तो सच ही होगा फ्रेंड्स। और जैसे मुझे ऐसा लगता है कि तो सभी लोग ऐसे ही मतलब ट्राई कर रहे थे, और ये हैं स्कूल के लगत बच्चियाँ आई थी लगता है, तो वही इनके टीचर हैं, तो उन्होंने जी जान लगा दी थी यहाँ से निकलने के लिए, और फिर लास्ट में निकल ही गए। तो वही फ्रेंड्स मुझे लगता है कि, और ये देखिए फ्रेंड्स ये है नर्मदा माँ, यहीं से निकलती हैं, यहीं उनका स्थान है, और थोड़ा जहाँ हम लोग लगे तो वहाँ मंदिर बना हुआ है यहीं पास है। तो बहुत ही इतना सुकून मिल रहा था ना माता जी को देख, कितना अच्छा लग रहा था यहीं चारों तरफ। और ये देखिए सभी निकल जा रही थी ये देखिए, और मैं नहीं निकली थी फ्रेंड्स, मुझे डर लग रहा था क्योंकि अगर मैं थोड़ी सी हेल्दी हूँ अगर फंस जाती तो, और सभी लड़कियों ने जैसे हमारे साथ की थी तो सभी ने ट्राई किया, सभी बच्चों ने, और मैं तो नहीं की फ्रेंड्स क्योंकि मुझे डर लग रहा था कहीं मैं फंस ना जाऊँ, थोड़ा सा हेल्दी टाइप की हूँ तो इसलिए मैं नहीं निकली थी। और ये देखिए फ्रेंड्स हम लोग घूम कर और सभी जगह मतलब प्रसाद नारियल चढ़ाकर और वापस आ गए हैं, और फिर यहाँ हमारे जेठानी के ये नाती है तो उन्हीं का बच्चे का नाती का मुंडन हो रहा था, तो ये मुंडन कराने के बाद फिर थोड़ा बहुत यहाँ घूमने भागने का मतलब घूमे भागे, और जैसे फोटो वोटो जो थोड़ा सा खिंचाना था वो खिंचाए। और फ्रेंड्स यहाँ ना बहुत सारी मतलब घूमने की जगह है, जैसे यहाँ जैन मंदिर, बहुत बड़ा जैन मंदिर बना हुआ है, और यहाँ कपिल धारा दूध धारा यहाँ के मतलब जगह है। और ये फ्रेंड्स ये है सोन कुंड, कहते हैं यहाँ से सोन नदी निकलती है यहीं पास से, ये देखिए यहीं पास से निकलती है यहाँ से, तो वही आगे जाकर बड़ी होती हैं।
और ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ, और यहाँ इतने सारे बंदर थे फ्रेंड्स, इतने सारे बंदर थे यहाँ और वहाँ नर्मदा जी के मंदिर में और यहाँ, कि आप कुछ भी मतलब हाथ पर लेकर नहीं जा सकते यहाँ पूरे, जैसे इतने होशियार भी बंदर थे कि आपको रोककर जो आपके पास है सभी निकाल लेते, छुड़ा लेते और खा लेते। अब और ये सीढ़ियाँ फ्रेंड्स, आते समय तो नहीं समझ में आया और जाते समय हम लोग के मतलब इतने हाथ पैर में दर्द हो रहा था ये सीढ़ी। और ये आगे हमारी जेठानी जी जा रही हैं और नाती नतीनियाँ हैं उनकी दोनों। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ से भी चलते हैं, यहाँ से देख के पूरा ये यहाँ से। और फ्रेंड्स ये धीरे धीरे 4:30-5 बज रहे थे, बहुत ही मतलब टाइम कैसे बीत गया ना पता ही नहीं चला पूरा, मतलब देखते देखते सभी के साथ हंसते बोलते बात करते। और जाते समय इतना मतलब वो लग रहा था कि अब जैसे बहुत दिन के बाद ही आना जाना होता है, तो अब लगता है कब आएंगे फिर घूमने भागने। वैसे तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें फ्रेंड्स घूमने के लिए, पर हमारे पास टाइम नहीं था क्योंकि वहीं नहाने धोने में ही टाइम निकल गया था। और ये देखिए फ्रेंड्स ये है जैन मंदिर, इतना बड़ा यहाँ से दिख रहा है और इनके पीछे भी एक मंदिर है। तो वो मतलब आप सोच लीजिए 7-8 साल पहले हम लोग आए थे ना यहाँ, वो मंदिर तब भी बन रहा था और अब भी बन ही रहा है, मतलब बहुत बड़ा मंदिर है। और अभी मेरे ख्याल से 6-7 साल हो गए होंगे। तो सभी मंदिरों को देखते और कितना सुंदर, देखिए शाम का समय है और इतना सुंदर लग रहा है ना पूरा ये मंदिर और ये पूरे जैसे बना हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स कितना बड़ा मंदिर बना है। और यहाँ भी फ्रेंड्स मतलब बाजार बहुत, जैसे मेला है, मेला टाइप बहुत ही दुकानें हैं। तो थोड़ा बहुत जो हमने खरीदा जैसे कुछ फ्रेंड्स, अगर जरा से मेरे वीडियो अच्छे लगते हो फ्रेंड्स और जो मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं सब्सक्राइबर्स हैं, तो उनको मैं धन्यवाद बोलती हूँ। और जो मेरा वीडियो थोड़ा सा भी वॉच करते हैं फ्रेंड्स, तो उनको मैं फिर मिलूँगी एक अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।